रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे, मेरी जान ये है पुरानी जीन्स और मैं हूँ आपके साथ में अनमोल। जैसे जैसे खूबसूरत हसीना जब आपको कभी हाँ कह देती है तो उसके साथ पहली पहली डेट पे जाने का जो एक्साइटमेंट होता है, आज वही एक्साइटमेंट से गुजर रहा हूँ मैं। कौन है जो इस समय मेरे साथ मेरी फोन लाइन पे है? क्या बताऊँ मैं इनके बारे में। खूबसूरत अदाकारा 101%, एंड बिसाइड्स दैट दिखने में बड़ा की खूबसूरत 101%। राइट नाउ मेरी फोन लाइन पे हैं द ओह सो ब्यूटीफुल साधना जी। साधना जी हेलो। हाय अनमोल, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन थैंक यू। माय गॉड, मैं आपको सही बताऊं, मैं आपसे जब भी फोन पे बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी 25 साल की लड़की से बातें कर रहा हूं। मुझे डर इस बात का लगता है कि कहीं मैं आपसे फ्लर्ट करना ना शुरू कर दूं। हाय, दैट वुड बी सो नाइस। देखिए इस उम्र में अगर ऐसे अभी भी मेरे फैंस हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सही बताऊं तो मेरी तो इच्छा थी कि आपसे बात करूं। आपके फैंस ने भी मुझे इतना जोर लगाया कि हमें साधना जी से बात करनी है तो करनी है। सच्ची बात बोलूं, मैं ये इंटरव्यू मेरे ख्याल है कुछ 35-40 साल के बाद दे रही हूँ, और वो भी इसलिए दे रही हूँ कि पता नहीं मैं आपको मिली तो नहीं हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम्स में जरूर सुनती रहती हूँ रात को। आपकी शक्ल तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन आपकी आवाज में कुछ बात है और आपको मैं पता नहीं क्यों ना नहीं बोल सकी। अरे वाह, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी साधना जी, सीरियसली वेलकम। मेरा पहला सवाल इनफैक्ट यही था कि आप इतने सालों के बाद एक इंटरव्यू दे रही हैं। सच्ची सच्ची बताइएगा, नर्वस हैं कि नहीं? मैं नर्वस बहुत हूँ, लेकिन चलो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, तो मैंने सोचा चलो करना ही है तो कर लेते हैं, और वो भी आपके लिए किया। मैं और कोई रेडियो इंटरव्यू नहीं देने वाली इसके बाद, ना इसके पहले दिया। हाँ, 30-35 साल पहले तो दिया था, और अब नहीं होने वाला इसके बाद। सुपर, व्हाट, इट्स अ ह्यूज प्लेजर That we have with us, साधना जी इस समय पुरानी जीन्स पे, अनमोल और आपके साथ में। आप सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 98.3 FM, because now it's going to get hotter.